नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर रीवा का संजय गांधी अस्पताल रोज एक नए कीर्तिमान बना रहा है। वर्तमान समय की बात की जाए तो जहां ये माना जाता है कि गायनी में नॉर्मल डिलीवरी हो ही नहीं सकती, प्रदेश में पहला स्थान बनाया है रीवा के संजय गांधी अस्पताल ने। ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। इसके अलावा तमाम तरीके की सुविधाएं 2024 में संजय गांधी अस्पताल देने जा रहा है, फिर वो चाहे जांच के मामले में हो, चाहे सुरक्षा के मामले में हो, या फिर कोई भी और मुद्दा हो जो मरीज और डॉक्टर से जुड़ा हुआ है, दोनों के बीच में बेहतर समन्वय हो, इसको लेकर संजय गांधी अस्पताल श्याम सा चिकित्सा महाविद्यालय के डॉक्टरों ने अपनी तरफ से प्रयास तेज कर दिए हैं। इस संबंध में रीवा के संजय गांधी अस्पताल में आज एक बैठक हुई। उस बैठक में संजय गांधी अस्पताल के अधीक्षक राहुल मिश्रा, डीन श्याम सा चिकित्सा महाविद्यालय डॉक्टर मनोज इंदुलकर सहित डॉक्टर यत्नेश त्रिपाठी की मौजूदगी में अगले साल हमें क्या करना है इसकी एक विस्तृत कार्य योजना बनाई गई, उसको पत्रकारों के साथ साझा किया गया। क्या कुछ कहा डॉक्टरों ने, आइए आपको सुनाते हैं। अभी हमारे यहाँ जो गायनी डिपार्टमेंट है, हालांकि उसके बेड की संख्या काफ़ी कम है, इसके बावजूद हम लोग पूरी कोशिश यही करते हैं कि डिलीवरीज जो है वो नॉर्मल डिलीवरीज हो बजाय ऑपरेशन के। तो पूरे प्रदेश के मेडिकल कॉलेज में हम लोग जो है सबसे अधिक नॉर्मल करते हैं और बहुत ही कम संख्या में, तकरीबन 24% हम लोग जो है ऑपरेशन के द्वारा करते हैं। इसी वजह से हमारे यहाँ पर लोड अधिक रहता है। बाहर की अपेक्षा जो है, अपेक्षाएँ जो हमारे लोगों की रहती है कि यहाँ पर आएंगे तो नॉर्मल डिलीवरी होगी, क्योंकि एक नॉर्मल डिलीवरी कराने के लिए काफ़ी धैर्य रखना पड़ता है, पूरी तत्परता के साथ उसको मॉनिटर करना होता है। तो सरकारी अस्पताल में ही ये संभव हो पाता है। और इसी तरह से हमारी कई और उपलब्धियों अभी जुड़ने जा रही है। अभी मेडिसिन विभाग के अंदर गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिवीज़न हमारा एक बड़ी उपलब्धि होगी। हमारे पास 2 गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है, तो जो गेस्टो के हमारे जो पेशेंट है जो बाहर की तरफ जाकर इलाज करते हैं, जैसे इंडोस्कोपी होता है या जो कई बार जो स्टोन बॉलबेडर का फंस जाता है, तो ईआरसी की सुविधा भी अब हमारे यहाँ जल्द ही, तो हो सकता है इसी महीने या अगले महीने तक हम लोगों को मशीनें आ जाए और हम लोग वो करने में कामयाब रहें। तीसरा, हमारे यहाँ पर एक न्यूरो फिजिशियन की हमेशा कमी रही है पूरे रीवा जिले में। अभी तक के मेडिकल कॉलेज में प्रथम डॉक्टर बिरहान सिंह न्यूरो फिजिशियन के रूप में यहाँ आए हैं, उन्होंने ज्वाइन किया है 29 दिसंबर को। तो जितने जटिल न्यूरो फिजिशियन ईजीली न्यूरो की जो बीमारी पहचान जाते हैं ताकि उसका इलाज कर सके, और हाँ कई बार ये होता है कि ऑपरेशन करना है या दवाई से ठीक होना है, न्यूरो फिजिशियन ही डिसाइड करते हैं। तो वो एक उपलब्धि हमारे यहाँ पर अब हमारे मेडिकल कॉलेज को मिलने जा रही है और उससे काफ़ी मरीज लाभान्वित होंगे। सुपर स्टिटी में भी हम लोगों ने एडवर्टाइज़ किया है न्यूरो फिजिशियन के लिए, और एक संभावना है कि हमें इस बार के एडवर्टाइजमेंट का लाभ मिलेगा, न्यूरो फिजिशियन का लाभ मिलेगा, और एक डॉक्टर सुपर में भी ज्वाइन करेंगे। तो ये हम लोगों की अभी वर्तमान भविष्य की संभावना है, जो हमें लग रहा है कि हम अच्छा और न्यूरोलॉजी में गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में कर पाएंगे। और हमारी जो गायनी डिपार्टमेंट है वो तो काफ़ी अच्छा काम कर रही है, तभी नॉर्मल डिलीवरीज हमारी पीजी स्टूडेंट हमारे फैकल्टी के द्वारा की जा रही है। और जो WHO के नाम्स होते हैं कि 20% के आसपास ही सीजरियन सेक्शन होना चाहिए, तब कहा जाता है कि आपका डिपार्टमेंट काफ़ी सक्षम है, और इसमें हम लोगों के यहाँ पर पूरी कोशिश यही रहती है कि जो मरीज और मरीज के परिजनों की अपेक्षाएँ रहती है कि नॉर्मल ही डिलीवरी, उसको हम कोशिश कर रहे हैं पूरा करने की। ताज़ातरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।